काजोल इन दिनों अपनी वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज 2 को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके प्रमोशन के सिलसिले में वो लगातार इंटरव्यू दे रही हैं। इस दौरान एक्ट्रेस अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात कर रही हैं। अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने बेटी नीसा के पैपराजी को हैंडल करने को लेकर बात की और कहा कि वो काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही है, मेरी तो चप्पल उठ जाती। वही काजोल ने पहली बार पैपराजी से घिरने पर नीसा के एक्सप्रेशन के बारे में भी बात की। स्टार किड होने के नाते नीसा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं। वो जहां भी जाती हैं कैमरे की नजरों से नहीं बच पाती। इसकी वजह से कई बार उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है। कई बार गलत एंगल से क्लिक की गई पिक्चर उनकी ट्रोलिंग का कारण बन जाती है। इन सब मुद्दों पर बात करते हुए काजोल ने नीसा की पैपराजी को हैंडल करने की बात को लेकर तारीफ की। काजोल ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया, मैं उसे यह नहीं सिखा सकती कि पैपराजी से कैसे निपटना है, उसने अनुभव से ये सीखा है। उसने पहली बार जयपुर में पैपराजी का अनुभव किया। हम दोनों अकेले थे और किसी सिक्योरिटी के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तभी 20-25 फोटोग्राफर्स ने हमें घेर लिया और चिल्लाने लगे। इससे वो डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बस उसे अपनी बाहों में उठाया और सीधे कार में चली गई। बाद में मैंने उससे कहा कि ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये सिर्फ उनका काम है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अपने बच्चों को इससे दूर रखा है। काजोल ने इसी बारे में बात करते हुए आगे कहा, वो अब बेहतर है और इसे बहुत अच्छे से संभाल रही है। वो पैपराजी को मुझसे कहीं अधिक शालीनता और गरिमा के साथ संभाल रही है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी चप्पल बहुत पहले निकल चुकी होती। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।